अस्सलाम वालेकुम। जब भी हम अमेज़ॉन के ऊपर जो है वो एज ए सेलर जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज में हम काम कर रहे होते हैं, एज ए एफ बी ए सेलिंग कर रहे हैं या एफ बी एम सेलिंग कर रहे हैं, आइदर यू आर डूइंग ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं, रिटेल आर्बिट्राज कर रहे हैं, होल सेल बिजनेस कर रहे हैं, तो हम जब अमेज़ॉन के ऊपर सेल्स कर रहे होते हैं, हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन कि हम बाई बॉक्स कैसे लें, ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल सेल्स रैंक क्या होता है, ठीक है, जिसको हम बीएसआर भी बोलते हैं, इसी तरह फॉर एग्जांपल एएसआई नंबर क्या होता है, ठीक है, इन्वेंट्री जो है वो उसकी हम रीस्टॉकिंग कैसे कर सकते हैं, प्राइम डे क्या होता है, ठीक है, क्वार्टर फोर क्या होता है, ठीक है, एफबीए लिस्टिंग और एफबीएम लिस्टिंग क्या होती है, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पेज के ऊपर जो है वो मैंने आउटडोर प्रोडक्ट जो है वो उसकी कैटेगरी को ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो जब मैं प्रोडक्ट्स को देखता हूँ, तो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर हम देखते हैं, तो यहाँ पर जो है वो इन प्रोडक्ट्स की रेटिंग जो है वो आप देखें तो बहुत ज़्यादा जो है वो 5000 प्लस की जो है वो रेटिंग है यहाँ पर, और अगर हम इनकी जो है वो बी एस आर की बात करें तो जो है वो अंडर 100 है या अंडर 1000 जो है वो बी एस आर है, जो है वो एक हाई जो है वो बी एस आर है, और मतलब बेस्ट जो है वो इनका जो है वो सेल्स रैंक बहुत अच्छी कैटेगरी में फॉल करता है। तो इस तरह के बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं जो न्यू बीज हैं, जो मतलब जो अभी नया जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर आए हैं और इनको स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो हमने बनाई हुई है, तो इसके अंदर हम इन सारे बेसिक क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो आपने ये वाली वीडियो एंड तक देखनी है, तो चलते हैं हम वन बाय वन हर टर्म्स को डिस्कस करते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको आज हमने इस वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड करना है, जिसके अंदर बाई बॉक्स है एंड गेटिंग प्रोडक्ट्स है, ठीक है, बोलो क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, प्रेप सेंटर, एएसआई नंबर, ए प्लस कंटेंट, इन्वेंट्री, सेल्स रैंक, एफएनएसकेयू क्या होते हैं, एफबी आईडीज क्या होते हैं, क्वार्टर फोर क्या होता है, प्राइम डे क्या होता है, एफबीए लिस्टिंग, एफबीएम लिस्टिंग क्या होती है, इसी तरह आईपीएस स्कोर क्या होता है। तो सबसे जो है वो पहले हम बाई बॉक्स की बात करते हैं। तो अगर हम सिंपल देखें तो बाई बॉक्स जो होता है वो ये होता है कि जितने भी सेलर्स किसी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो फॉल करते हैं, लाइक अगर हम देखें तो एक मैंने प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर जो है वो यहाँ पर सेलर्स आप देखें तो यहाँ पर डिफरेंट सेलर्स है, जो सबसे टॉप पे सेलर होगा जिसकी प्राइस जो है वो कम होगी, जिसका शिपिंग टाइम कम होगा, उसके पास बाई बॉक्स होगा, और बाई बॉक्स जो होता है ये वेरी करता रहता है, और जो है वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी वेरी करता है, ठीक है, उसके ऊपर नंबर ऑफ सेलर्स की वजह से ये वेरी करता है। तो इन बाई बॉक्स को अगर हमने देखना है कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर बाई बॉक्स जो है वो फॉल करता है या नहीं करता, उसके लिए हम कीपा यूज करते हैं, और कीपा के थ्रू हम देखते रहते हैं कि जो बाई बॉक्स है वो रोटेट करता रहता है थ्रू आउट द सेलर जो है वो नहीं करता। तो बेसिकली जो बाई बॉक्स होता है ये अमेजोन की तरफ से जो है वो एक कह सकते हैं कि ये बेसिकली अमेजोन की तरफ से एक बॉक्स होता है जो एक सेलर को दिया जाता है, दैट्स मीन कि कोई भी जो ऑर्डर आएगा वो उस सेलर को आएगा और उसी की फुलफिलमेंट जो है वो सेलर करेगा, और जब तक उसकी इन्वेंट्री सारी की सारी कंज्यूम नहीं हो जाती या फिनिश नहीं हो जाती तब तक वो बाई बॉक्स उसके पास रहता है, या अगर कोई कम प्राइस के ऊपर या लेस शिपिंग टाइम के ऊपर जो है वो आ जाता है, मिनिमम शिपिंग टाइम के ऊपर, तो उसको जो है वो उसका बाई बॉक्स जो है वो दे दिया जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर है एफबीए लिस्टिंग क्या होती है। तो एफ बी ए का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाई अमेजोन, इसका मतलब ये है कि अमेजोन जो है वो हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी उसकी फुलफिलमेंट खुद करेगा। सिंपली ये होगा कि हमने जो भी प्रोडक्ट सेल करनी है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उसको अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देंगे, जो भी अमेजोन हमें जब हम एफ एन एस की जो है वो निकालते हैं तो उसके ऊपर जो भी लेबल्स हम लगाएंगे, अमेजोन जो भी हमें एड्रेस देगा हम उस वेयर हाउस में उसको शिप कर देंगे, फिर अमेजोन क्या करेगा उस प्रोडक्ट को जो है वो अपने स्टोर के अंदर वेयर हाउस के अंदर ले आएगा, उसको स्टोर भी करता है, फिर उसके बाद जब हम अपने स्टोर के ऊपर लिस्टिंग को एक्टिव कर देते हैं तो हमारे स्टोर के ऊपर एक ऑर्डर आता है, तो अमेजोन क्या करता है उस उतनी जो है वो जो क्वांटिटी होती है उसको पिक करता है, उसको पैक करता है, और फिर उसको अपनी पैकिंग में, अपने अमेजोन अपनी पैकिंग में उस प्रोडक्ट्स को शिप कर देता है, ठीक है, अपने भी आपके ऊपर, तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एफ बी ए बोल देते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक जो है वो यहाँ पर एक प्रोडक्ट, तो नेस्ले ब्रांड है उसकी बेसिकली पुरीना एक जो है वो सेपरेट ब्रांड है, पुरीना की एक प्रोडक्ट, तो यहाँ पर इसके डिफरेंट सेलर्स बैठे हुए हैं, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक सेलर है, सेलर का नेम है यहाँ पर द फास्ट जनरल स्टोर, ये बेसिकली जो है वो इसको बेच रहा है, लेकिन इसको शिप कौन कर रहा है, अमेजोन। तो जिस प्रोडक्ट की लिस्टिंग के ऊपर सेलर्स जो है वो वहां पर होंगे और उन सेलर्स की अगर फुलफिलमेंट अमेजोन कर रहा है, दैट्स मीन कि वो सारे की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो एफ बी ए हो रही हैं, और एफ बी ए जो है वो प्रोडक्ट्स है इसके शिपिंग टाइम कम होते हैं, ठीक है, इनकी प्राइसिस जो है वो कम होती है एज कम्पेयर टू एफ बी एम प्रोडक्ट्स के, तो एफ बी एम प्रोडक्ट्स जो है वो मोस्टली वो डिफरेंट कैटेगरी में फॉल करती हैं, एफ बी ए प्रोडक्ट्स जो है वो डिफरेंट कैटेगरी में। सो नेक्स्ट नंबर थ्री है एफ बी एम जो है वो प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। एफ बी एम प्रोडक्ट्स का मतलब है फुलफिलमेंट बाई मर्चेंट, इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है वही प्रोडक्ट को शिप कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो एक प्रोडक्ट है पुरीना की, यहाँ पर इसको सोल्ड और जो वो शिप एक ही पर्सन कर रहा है, जो जिसका स्टोर है गुड डील्स या वही इसको जो है वो शिप कर रहा है, तो इसको हम एफ बी एम कहते हैं। एफ बी एम हम लिस्टिंग का मतलब सिंपल ये है कि हमने प्रोडक्ट जो है वो खुद ही उसको पैक किया है, उसके ऊपर लेबल लगाया है, उसको यू पी एस, फेडेक्स, डी एच एल के थ्रू हमने कस्टमर
खुद ही उसको डिलीवर किया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसके लिए अपना एक वेयर हाउस चाहिए जहाँ पर हम प्रोडक्ट्स को स्टोर कर सकें और खुद ही जो है वो लेबल्स लगा के हम उस खुद ही उसको शिप करवा सकें किसी भी जो है वो करियर सर्विस के थ्रू। तो इसके लिए जो है वो हम ये कब करते हैं, मोस्टली जब हमारी या तो लिस्टिंग स्टोर के ऊपर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, या हैवी प्रोडक्ट्स हों जिनकी जो है वो आपको लगता है शिपिंग प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो फिटनेस का सामान होता है वो थोड़ा सा हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उसके लिए हम FBM लिस्टिंग यूज़ करते हैं। फिर इसके अलावा जो है वो क्वार्टर फोर के अंदर, क्योंकि अमेज़ॉन जो होता है वो इन्वेंट्री इतनी नहीं लेता स्टोरेज के लिए, ठीक है, तो वो जो है वो उसको ब्लॉक कर देता है मोस्टली मिड ऑफ अक्टूबर या नवंबर के स्टार्ट में जो है वो अमेज़ॉन कम इन्वेंट्री आपको जो है वो लेने देता है। इस वजह से हम फिर FBM लिस्टिंग की तरफ चले जाते हैं। FBM लिस्टिंग के लिए जो है वो हम क्वार्टर फोर को यूज़ करते हैं जिसमें क्रिसमस डेज आते हैं, ठीक है, इसके अलावा और भी जो है वो डेज आते हैं, तो उस जो है वो तब हम FBM लिस्टिंग को यूज़ करते हैं। FBM लिस्टिंग के बाद जो फोर्थ नंबर पे है दैट इज सेल्स रैंक। अब ये सेल्स रैंक जो है वो इसको हम BSR भी बोलते हैं, जिसको बेस्ट सेलर रैंक्स बोलते हैं। ये कैटेगरी टू कैटेगरी जो है वो वेरी करता है। तो जो बेस्ट सेलर रैंक है अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने पेट फूड की प्रोडक्ट्स है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर लिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखें तो ये ऊपर रेटिंग्स आ रही हैं, नीचे उसकी प्राइसेस आ रही हैं, तो यहाँ पर जो है उसका बेस्ट सेलर रैंक आ रहा है। जैसे इस प्रोडक्ट का पेट सप्लाईज के अंदर 2000 रैंक इसका फॉल कर रहा है, इसका 542 है, इसी तरह इसका 310 है, दैट इज मच मोर बेटर। अगर हम सारी प्रोडक्ट्स को यहाँ पर देखें तो सबसे जो अच्छा बेस्ट सेलर रैंक है वो इस प्रोडक्ट का है 310। जितना जो है वो कम BSR होगा, बेस्ट सेलर रैंक जितना कम होगा, उतनी उस प्रोडक्ट की रेटिंग अच्छी होगी, उतना उस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज पॉजिटिव होंगे, उसकी सेल्स ज़्यादा अच्छी होगी, उसकी लिस्टिंग ओल्ड होगी। तो मोस्टली जो है वो अगर हम ऑनलाइन आर्बिट्राज की बात करें तो उसमें 50,000 से कम बेस्ट सेलर रैंक जो है वो उन प्रोडक्ट्स को हम चूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो है वो जितना कम सेलर रैंक होगा उतनी प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट कैटेगरी में फॉल करती है, उसकी सेल्स जो है वो ज़्यादा अच्छी है। और मोस्टली जो है वो अगर हम 10,000 सेल्स रैंक या इससे कम वाली जो है वो कैटेगरी में प्रोडक्ट्स को जो है वो चूज़ करते हैं तो उसमें कॉम्पिटिशन जो है वो बढ़ जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो आपको तो लिस्टिंग जो है वो मीट यू नहीं करने देते, अदरवाइज जो है वो उसके ऊपर सेलर्स होते हैं वो इतना कॉम्पिटेटिव होते हैं, उनकी प्राइसेज इतनी कम होती हैं कि आपका मार्जिन जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो नंबर 5 पे जो है वो टूल ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, दैट नेम्स इज कीपा। और कीपा जो है वो एक पेड टूल है जो कि जो है वो $19 का आपको पर मंथ मिल जाता है। लोग जो है वो इसको कलेक्टिवली ले लेते हैं, उससे उनको सस्ता पड़ता है। अब ये प्रोडक्ट रिसर्च टूल बेसिकली क्या हमें बताता है, ये हमें बेसिकली बताता है कि अब जो है वो थ्रू आउट द ईयर जो है वो 12 मंथ्स का एक हमें पूरा ग्राफ बता रहा होता है, और इसके अलावा हमें लास्ट ईयर्स का, उससे लास्ट ईयर का भी हमें बता रहा होता है कि किस तरह जो प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई चेन, उसकी डिमांड जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से रही और उसमें कंपटीशन कितना रहा है, ठीक है, उस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो किस टाइम कितने सेलर्स बैठे थे, किस टाइम सेलर्स कम हो गए, फिर किस टाइम उसकी प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होती रहती है, फिर इसी तरह जो है वो उसकी सेल्स रैंक में स्टेबल रहा, उसका स्टे रैंक या वेरी करता रहा या बहुत ज्यादा अप कर गया, ठीक है, उसी तरह उसकी प्राइस हिस्ट्री, तो ये सारी चीजें जो है वो हमें कीपा बताता है। तो बेसिकली प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए हमें टूल्स जो है वो यूज करते हैं, उससे जो है वो हम बेस्ट जो प्रोडक्ट्स है वो चूज कर पाते हैं और उससे जो है वो हमें लॉसेस के कम चांसेस हो जाते हैं। और इसकी जो है वो कीपा की एक्सटेंशन है वो भी आप यूज कर सकते हैं, सो आई प्रेफर कि कीपा जो है वो आप लाजमी यूज करें। सो नेक्स्ट जो है वो नंबर 6 है क्वार्टर फोर। अब जो क्वार्टर फोर है अगर हम बात करें जो न्यू बीज है उनके लिए, तो एक साल के अंदर हम 4 quarters जो है वो उसको हम 4 quarters को कंसिडर करते हैं, जिसमें Q1, Q2, Q3 और Q4 जो है वो ये होते हैं 3 months के। तो इनके जो स्टार्ट और एंड डेज यहाँ एंड जो है वो डेट्स मैंने यहाँ पर लिखी हैं। अब जो सबसे ज़्यादा अमेज़ॉन की जो सेल्स होती हैं वो Q4 के अंदर होती हैं। अब जो Q4 है उसके अंदर जो मेन चीज़ होती है जिसमें हेलोवींस डे आता है, फिर थैंक्स गिविंग डे उनका होता है, फिर ब्लैक फ्राइडे होता है, और ये मोस्टली ये वाले जो डेज होते हैं ये नवंबर के अंदर फॉल करते हैं। फिर उसके बाद क्रिसमस डे स्टार्ट हो जाता है। क्रिसमस डेज में ये होता है कि अमेज़ॉन की जो है वो सेल्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं। उसकी रीज़न ये भी होती है कि क्रिसमस डेज के ऊपर जो है वो इनकी हॉलीडेज स्टार्ट हो जाती हैं और लोग जो वो शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और इन दौरान जो है वो वहाँ पर विंटर भी आना शुरू हो जाता है, तो लोग मोस्टली बाइंग करते हैं और जो है वो इन हाउस जो है वो मोस्टली जो अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो Q4 के अंदर जो है वो मोस्टली जो है वो वेकेशंस भी होती हैं, इस वजह से जो है वो लोग बहुत सारे अपनी एक्टिविटीज़ और प्लान्स जो है वो आगे जो है वो उसको क्वांटिफाई करते हैं ताकि अपना बेस्ट से बेस्ट टाइम जो है वो आगे स्पेंड कर सकें। तो अभी जो है वो अगर हम बात करें तो जुलाई एंड जा रहा है, तो आप लोगों से सजेशन है कि अगर आप लोग जो है वो न्यू सेलर हैं, होलसेल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज स्टार्ट करना चाह रहे हैं,
तो आप लोग जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये बेस्ट टाइम है होलसेल स्टार्ट करने के लिए, इवन ऑनलाइन आर्बिट्राज स्टार्ट करने के लिए। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो होलसेल स्टार्ट करने के लिए बेस्ट है। उसकी रीज़न ये है कि आज के दिनों में अगर आप किसी भी होलसेलर को रीच आउट करते हैं तो वो जो है वो उसका एक पॉजिटिव और एक अच्छा रिस्पॉन्स देगा, और आपको जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो सप्लाइज भी देगा, आपको इन्वेंट्री भी देगा और आपको सर्टिफिकेट भी देगा। उसकी रीज़न ये है कि अभी जो है वो होलसेलर जो होते हैं वो उसमें कॉम्पिटिशन कम है। फिर जैसे जैसे आगे टाइम गुजरेगा, क्वार्टर फोर की तरफ हम जाएंगे, नवंबर दिसंबर की तरफ जाएंगे, तो वहां पर फिर कोई भी होलसेलर जो होता है वो प्रोडक्ट्स की सप्लाईज नहीं देता, इन्वेंट्रीज मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक चली जाती हैं। तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपने क्वार्टर फोर के लिए अपनी इन्वेंट्री को भी प्लान करना है तो बेस्ट ये है कि आप जो है वो अगस्त सितंबर में अपनी जितनी भी रीस्टॉकिंग है, प्रोडक्ट्स अगर नहीं है तो उनको आप जो है अमेजोन के वेयर हाउस भेज दें या अदरवाइज उनकी आप रीस्टॉकिंग कर लें अगर आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो क्वार्टर फोर जो है उसकी प्लानिंग जो है वो अब अभी से स्टार्ट करें, और ताकि जो है वो आपका आगे इन्वेंट्री के जो है वो आउट ऑफ स्टॉक के इशूज़ ना आए। सो नेक्स्ट नंबर 7 जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट है। इसकी हमने बहुत सारी वीडियोस भी देखी हुई हैं, बहुत सारे लोग जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो इसका काम करते हैं, इसकी बहुत सारी सर्विसेज दे रहे हैं। वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो वीडियो एडिटिंग के लिए भी हो सकता है, अमेजोन के लिए भी हो सकता है, ठीक है, यूट्यूब के लिए भी हो सकता है, आपके कॉन्टेंट राइटिंग के लिए भी हो सकता है। अगर हम जस्ट स्पेसिफिकली अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट की बात करें तो अमेजोन जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो है जो बेसिकली स्पेसिफिकली अमेजोन के अकाउंट्स को मैनेज कर रहे हैं, अमेजोन की प्रोडक्ट्स की हंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, और जैसे अलीबाबा से, अली एक्सप्रेस से कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, ठीक है, इसी तरह जो है वो कस्टमर सर्विस देते हैं, इस तरह इन्वेंट्री प्लानिंग की सर्विसेज देते हैं, लॉजिस्टिक की सर्विसेज देते हैं, प्रेप सेंटर की सर्विसेज देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें इसमें आ जाती हैं, अकाउंट रीन स्टेटमेंट की देते हैं, इंबर्समेंट जो है वो अमाउंट अगर आपने करनी है, ठीक है, इसी तरह इन्वेंट्री आपकी मिसिंग हो जाती है अमेजोन के साथ जो है वो आपने केस ओपन करने हैं तो अपने हेल्प में जाके अमेजोन के साथ केस ओपन करते हैं, तो अमेजोन के जो केसेस हैं फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री लॉसेस के हैं या मिसिंग इन्वेंट्री के, लिस्टिंग की डीलिस्टिंग हो जाना, डीएक्टिवेट हो जाना, तो इस तरह की बहुत सारी जो जो सर्विसेज हैं वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो अमेजोन के रिलेटेड जो है वो इनकी सर्विसेज देते हैं। नंबर 8 के ऊपर आते हैं तो प्राइवेट लेबल है। प्राइवेट लेबल का मतलब सिंपल ये है कि आप अपनी ब्रांड जो है वो आप अपनी ब्रांड को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अपने ट्रेडमार्क से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो सिंपली जो है वो डिफरेंट अमेजोन बिजनेस मॉडल है। यहाँ पर अगर हम सिंपल बात करें प्राइवेट लेबल की तो प्राइवेट लेबल से लोग जो है वो उसकी सोर्सिंग पाकिस्तान से भी करते हैं, चाइना से भी करते हैं, इवन दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री से भी वो करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के लिए। सिंपल ये होता है अपनी ब्रांड के लिए, आपका अपना ब्रांड होता है तो उसके लिए आपकी अपनी वेबसाइट होती है, फिर आपका ट्रेडमार्क होता है, आपकी अपनी कंपनी जिसको LLC LTD या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो कह देते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी अपनी ब्रांड आप लॉन्च करना चाह रहे हैं होम डेकोरेशन में, क्लोथिंग में, अपैरल्स में या फिटनेस में या सप्लीमेंट्स में, तो उसके लिए फिर बेस्ट ये है कि आप अपनी वेबसाइट जो है वो उसको भी लॉन्च करें, वेबसाइट की एक टीम बनाएं, शॉपिफाई स्टोर बनाएं, शॉपिफाई स्टोर की फिर एड्स चलाएं, ठीक है, उसके जो है वो कॉन्टेंट्स को, आप कीवर्ड्स को, SEO उसकी करें। इसी तरह जो है वो अमेजोन के ऊपर आपने स्टोर क्रिएट करना है तो उसी तरह फिर आपकी एक FBA लिस्टिंग होगी। इसके लिए नो डाउट जो है वो आपको ज़्यादा बजट चाहिए, लेकिन एक लॉन्ग टर्म और बड़ा सस्टेनेबल जो है वो मॉडल है अमेजोन का। उसके बाद जो है वो 9th नंबर पे है FNSKU। क्या होते हैं FNSKU? सिंपल जो है वो लेबल्स होते हैं जो प्रोडक्ट्स के होते हैं लेबल्स। तो इसके लिए सिंपल ये होता है, सो बेसिकली क्या होता है कि जितनी भी अमेजोन की प्रोडक्ट्स हैं उसको हम जो है वो जस्टिफाई कैसे करते हैं, उसको हम जो है वो अपनी इन्वेंट्री की लिस्टिंग जो है वो FNSKU के साथ करते हैं, जो हम जिसको हम SKU बोल देते हैं, ठीक है। तो FNSKU सिंपल हम लेबल क्रिएट करते हैं जिसको हम बारकोड भी बोलते हैं, सिंपल ये टैग होते हैं, ये आपने अपने प्रिंटिंग मशीन से जो निकाल के अपनी हर प्रोडक्ट के बॉक्सेस के ऊपर आपने लगा देने हैं, अगर वो पोली बैग में है, पोलीथीन बैग में है, उसमें लगा दें, ठीक है, जिस भी तरह की पैकिंग है उसके ऊपर आप इंडिविजुअल जो है वो आपने पैकिंग करनी होती है। अब ये वाले जो लेबल्स होते हैं जस्ट आपने FBA लिस्टिंग अगर आपकी, आप अमेजोन FBA करें, अमेजोन के वेयर हाउस भेज रहे हैं तो उसके लिए आपने लगानी है, अगर आप FBM करें तो उसके लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें तो आपके लेबल जो लगेंगे वो आपने UPS FedEx के या USPS इन्हीं के DHL वगैरह के आपने लगाने होते हैं, उसमें अमेजोन के नहीं लगाने होते। तो बेसिकली जो है वो अगर आपकी फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन है, एक स्टोर है, एक ब्रांड है, या होलसेल कर रहे हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं और आपकी बहुत ज्यादा लिस्टिंग है जिसमें जो है वो आप 200 जो है वो SKUs को मैनेज कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर ये चीज़ें जो है वो मैनेज करना, इन्वेंट्री को मैनेज करना, उसके लिए हम FNSKU जो है वो यूज करते हैं। उसके बाद नंबर 10 के ऊपर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज अनगेटेड प्रोडक्ट्स। गेटेड और अनगेटेड प्रोडक्ट्स क्या होती है? तो अब जितने भी न्यू सेलर्स होते हैं वो जब भी अमेजोन के ऊपर आते हैं, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं, तो अब वो अगर उनको एक बड़े ब्रांड्स की जो प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं उसको अमेजोन के ऊपर सेल करना चाह रहे हैं, लेकिन अमेजोन उसको अलाउ नहीं करता, तो अमेजोन जितने भी न्यू सेलर्स है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन उसने लगाई होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि जो कॉपी प्रोडक्ट्स है वो ना जा सकें, फेक प्रोडक्ट्स ना जाएं, ठीक है,
तो बेसिकली जो ब्रांड्स है उसकी सेफ्टी के लिए, उनकी सस्टेनेबल बिजनेस के लिए सारी चीज़ें की जाती हैं। तो सिंपली आपने क्या करना होता है, अमेजोन जो होता है वो कोई किसी भी नए सेलर्स को अलाउ नहीं करता कि वो बड़ी ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को फॉरन से आप सेल आउट कर सकें। तो उसके लिए आपने बड़े ब्रांड्स होते हैं उनको आपने रीच करना है, उनको रिक्वेस्ट करनी है कि आप उनको जो वो आपको रीसेलर सर्टिफिकेट दें, ताकि वो रीसेलर सर्टिफिकेट आप अमेजोन को दें और अमेजोन जो है वो आपके प्रोडक्ट्स को गेटेड से अनगेटेड कर दे। तो इसमें गेटेड कैटेगरीज होती हैं जिसके लिए आपको परमिशन चाहिए होती है, ठीक है। फिर अनगेटेड कैटेगरीज होती हैं जिसमें आपको जो है परमिशन नहीं चाहिए होती है, आप जस्ट मी टू लिस्टिंग कर सकते हैं। और अनगेटेड प्रोडक्ट्स के लिए आपको इन्वाइसिस चाहिए होती हैं, आपको इन्वाइसिस जो है वो जहाँ से भी आपने प्रोडक्ट्स लिए हैं, आपने अली एक्सप्रेस से लिए हैं, अली बाबा से लिए हैं, या विद इन यूएसए यूके से ली हुई हैं, या इसी तरह डिफरेंट होल सेल्स या डिस्ट्रीब्यूटर से आपने जो है वो ली हुई हैं, तो आपने उनसे इन्वाइसिस ले लेनी है। जो भी आपने उससे प्रोडक्ट लिए उसको मुझे इन्वाइस क्रिएट कर दे, वो इन्वाइसिस आपने अमेजोन को दे देनी है। और इसके अलावा रीसेलर सर्टिफिकेट होता है वो अमेजोन को देना होता है। तो इस तरह से अमेजोन आपको अलाउ कर देता है जो भी गेटेड प्रोडक्ट्स को उसको अनगेटेड करने के लिए। उसके बाद जैसे हमने कीपा की जब वो बात की, इसी तरह यहाँ पर जो है वो सेलर एएमपी टूल है, दिस इज आल्सो अ प्रोडक्ट जो है वो रिसर्च टूल है जो कि कस्टमर फ्रेंडली है, सेलर फ्रेंडली। अब मोस्टली जो है वो लोग क्या करते हैं, वो गूगल जो है वो शीट्स क्रिएट कर लेते हैं, उसके ऊपर फार्मूलाज लगा लेते हैं, तो वो भी एक बेटर है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आप वहाँ पर एज ए फिजिकली अगर आप किसी जो है वो सेल्स जहाँ पर लगी है वहाँ से प्रोडक्ट्स उठा के उसको चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये अमेजोन के ऊपर सेल हो रही है और अमेजोन के ऊपर किस प्राइस पर सेल हो रही है, उसका कितना प्रॉफिट होगा, तो सेलर एएमपी जो है वो बेस्ट टूल है। इसमें सिंपल स्कैनिंग जो है वो क्यूआर स्कैनिंग जो है वो होती है, इसमें बारकोड स्कैनिंग भी आप कर सकते हैं, तो उससे ही होता है कि प्रोडक्ट्स फौरन से पता चल जाता है। अगर आप देखें तो एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग का मैंने स्क्रीनशॉट यहां पर लिया हुआ है जिसमें प्रोडक्ट्स की पिक्चर आ रही है, उसका नेम, उसकी रेटिंग आ रही है, उसका एएसआई नंबर आ रहा है। फिर अगर हम क्विक इन्फॉर्मेशन में जाएं तो यहाँ पर जो वो इसके आ रहा है, इसके आईपी अलर्ट तो नहीं आ रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, फिर इसका बीएसआर कितना आ रहा है, एस्टिमेटेड उसकी सेल्स पर मंथ कितनी आ रही है, मैक्सिमम कॉस्ट कितनी आ रही है, फिर उसकी जो वो कितने की अगर हम बाई करते हैं वो प्राइस हम यहाँ पर लगाएं और सेल प्राइस अमेजोन की वो खुद पिक करेगा, हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताएगा, प्रॉफिट परसेंटेज और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हमें बताएगा, सो ब्रेक इवन पॉइंट भी हमें बताएगा कि कितनी प्रोडक्ट्स सेल करने के बाद आपकी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो होना शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली जो है वो सेलर एएमपी टूल जो है वो बहुत जो है वो सेलर फ्रेंडली टूल बनाया हुआ है। और जो है मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आपने प्रेप सेंटर वाला, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है जानने वाला है, तो उसको आप ये टूल अपने भी आपके लेके दें और उसको जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पर सेल्स लगी हैं फिजिकली वहाँ पर जाके इन चीज़ों को यूज कर सकता है स्कैनिंग के लिए। तो इसकी मजीद अगर डिटेल्स वीडियो आपने देखनी है तो मेरे जो है वो चैनल के ऊपर जाएं, वहाँ पर मैंने इसकी डिटेल एक वीडियो बनाई है सेलर एएमपी टूल की। उसके बाद जो नेक्स्ट 12th नंबर है दैट इज बोलो। बोलो क्या चीज है, बोलो का मतलब क्या है, बी ऑन लुक आउट। इसका मतलब सिंपल ये है कि हर साल क्वार्टर फोर के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो प्रोडक्ट्स की सेल्स होती हैं। अब बोलो वाली जो प्रोडक्ट्स होती हैं इसकी जो हर साल जो होती हैं वो एक लिस्ट आ जाती है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाती है डिफरेंट कैटेगरीज में, तो दिसंबर के अंदर या मोस्टली जो है वो मिड ऑफ जो नवंबर के बाद जो है वो सेल्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जितने भी वहाँ पर सेलर्स होते हैं उनकी इन्वेंट्री आहिस्ता आहिस्ता वो कंज्यूम हो जाती है, इन्वेंट्री ख़त्म हो जाती है। अब ऑब्वियसली हम वीडियोस देखते रहते हैं तो इस तरह की कि जो है वो दो तीन लोग जो होते हैं वो अंडे सेल कर रहे होते हैं, तो उसमें से लो प्राइस वाला जो होता है वो क्या करता है, वो हाई प्राइस वाले को, हाई प्राइस वाला जो है वो लो प्राइस वाले को वो सेल आउट करके वो किस तरह से जो है वो सारी जो है वो लेके फिर बाद में खुद ही सेल करना शुरू कर देते हैं। वेरी सिमिलर यहाँ पर भी क्या होता है कि जितने भी सेलर्स होते हैं एक प्रोडक्ट के ऊपर होते हैं, अब उस प्रोडक्ट की जो है वो उनकी जितनी भी इन्वेंट्री होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। अब जब इन्वेंट्री ख़त्म होगी तो आप अकेले बैठे हैं या आपके साथ एक दो और सेलर बैठे हैं, आप अपनी मर्जी से प्राइसेस लगा सकते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि उन प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, सो ये आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप हाई प्राइस के ऊपर उन प्रोडक्ट्स को सेल करके उससे एक अच्छा जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। दैट्स वाई द प्रोडक्ट्स जो है वो इस तरह की जो है वो प्रोडक्ट्स की आप चूज़ करें, इस तरह की रिसर्च करें प्रोडक्ट्स की जो लास्ट ईयर जो है वो जिनकी सेल्स बहुत ज़्यादा हाईली डिमांडेड थी। फिर उसके बाद बेसिकली जो है वो आप जब जो भी प्रोडक्ट्स हम पाकिस्तान से भेजते हैं या डिफरेंट जो है वो मैन्युफैक्चरर से लेके चाइना से हम जो है वो पहले प्रेप सेंटर में भेज देते हैं या वहाँ से अगर हम ऑनलाइन आर्बिट्राज करें विद इन यूएसए या यूके तो वहाँ से हम प्रोडक्ट्स लेके प्रेप सेंटर भेज देते हैं, जस्ट लाइक ए मिनी वेयर हाउस है, वेयर हाउस है वो आपके भी हाफ के ऊपर प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग चेंज कर देता है, उसके ऊपर लेबल्स लगा देता है जिसके मैंने पहली बात की है FNSQ, वो लेबल्स लगा के या प्रोडक्ट्स की जो है वो डिफरेंट टाइप्स की जो है वो मतलब उनको पैकिंग कर देता है, अगर पैक ऑफ टू है, पैक ऑफ फोर है तो उसको उस तरह की पैकिंग करवा लेते हैं हम, जिस तरह की प्रोडक्ट की लिस्टिंग हुई होती है जिसको हमने मीटू करना होता है। तो सिंपली प्रेप सेंटर बेसिकली क्या करता है कि वो आपके प्रोडक्ट्स को आपके जो मैन्युफैक्चरर है या होलसेलर है वहाँ से वो रिसीव करता है, आपकी इन्वेंट्री को अमेजोन के वेयर हाउस में बाद में लेबल्स लगा के भेज देता है।
अब इससे क्या होता है, इससे ऑब्वियसली आपका टाइम बच जाता है, आपके जो है वो आपका फिजिकली अगर वहाँ पर नहीं भी है तो आपको ये सर्विसेज मिल जाती हैं। अब आपने प्रेप सेंटर कौन सा चूज़ करना है, आपने प्रेप सेंटर उस लोकेशन का चूज़ करना है जो टैक्स फ्री है, ठीक है, जैसे टेक्सास वगैरह। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप तकरीबन जो है वो 9% तक या 8.25% तक जो है वो प्रोडक्ट्स की जो आपने प्राइस है उसके ऊपर जो आपने टैक्स देना होता है उसको आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल न्यू हेमिस्फीयर में हमारा एक प्रेप सेंटर है, तो वहाँ पर जो है वो हम उसके ऊपर जीरो जो है वो पे कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आप 1.25 या $1 तक जो है वो या 90 सेंट्स तक भी आप दे रहे हैं, तो वो आपके कम होके 50 सेंट्स तक या 45 सेंट्स तक आप जो है वो पर प्रोडक्ट जो है वो पे कर रहे होते हैं। तो इससे जो है वो आपकी ऑब्वियसली आपको टैक्स नहीं देना पड़ता और आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रेप सेंटर है वो पर प्रोडक्ट जो है वो कम हो जाती है। और इससे ऑब्वियसली इसका फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, आपका मार्जिन इंक्रीज़ हो जाता है। सो नेक्स्ट जो है वो ASI नंबर है, जिसको हम SN भी बोलते हैं। हर प्रोडक्ट का अमेजोन जो है वो डिफरेंट ASI नंबर जो है वो उसको असाइन कर देता है। अब जितनी भी प्रोडक्ट्स हम लिस्ट करते हैं अमेजोन के कैटलॉग में, प्रोडक्ट कैटलॉग में जाके वहाँ पर जब हम प्रोडक्ट को मीटू करते हैं, तो हम वो ASI नंबर जो ऑलरेडी प्रोडक्ट होती है जिसकी हमने रिसर्च की होती है, तो उस प्रोडक्ट का जो ASI नंबर होता है वहीं अपने स्टोर पे जाके हम उसको पेस्ट करते हैं प्रोडक्ट कैटलॉग में जाके, और उसको फिर बाद में हम अपनी प्रोडक्ट के ऊपर उसको लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं। तो इससे क्या हो रहता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है जिसको आप सेल करना चाह रहे हैं, वही प्रोडक्ट जो है वो आपके स्टोर के ऊपर लिस्ट हो जाती है थ्रू दिस ASI नंबर। तो ASI नंबर जो होता है इसको हम अमेजोन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर को बोलते हैं, और ये बेसिकली हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है जो अमेजोन ने हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट रखा हुआ है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ प्राइम डे। अगर आप देखें अभी जुलाई का मंथ जो है वो चल रहा है, और अभी 2 वीक्स अगो जो है वो प्राइम डे था, जिसमें 11th और 12th जुलाई जो है वो 2023 में प्राइम डे था, और अमेजोन प्राइम डे के ऊपर जो है वो अमेजोन की जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेल्स होती है। अब बेसिकली अमेजोन प्राइम डे बेसिकली किन लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो अमेजोन के एक्सक्लूसिव प्राइम मेम्बर्स हैं। अब इस पे जो है वो आप नेक्स्ट डे कैसे प्लान कर सकते हैं, अमेजोन जो प्राइम डे होता है ये बेसिकली सेलर्स फ्रेंडली भी होता है और कस्टमर फ्रेंडली भी होता है। सेलर्स के लिए किस तरह से होता है कि वो डील्स लगाते हैं और अपनी डील्स जो है वो बना के, अपने बंडल्स बना के डील्स के अमेजोन को दे देते हैं और उसको अमेजोन प्राइम डे में ऐड करवा देते हैं। लेट्स से आपका अपना ब्रांड है या आप ऑनलाइन आर्बिट्राज या होलसेल कर रहे हैं, तो आपने क्या किया अपनी लेट्स से आपकी 50 लिस्टिंग है प्रोडक्ट्स की, 50 में से आपने 10 प्रोडक्ट्स जो है वो अमेजोन को जो है वो आपने एज ए प्राइम डे सेल करने के लिए आपने डील लगा के दे दी है, उसके ऊपर आपने 20% 30% इवन 50% डिस्काउंट के ऊपर भी लोग उसको डील्स को लगा देते हैं। इवन वहां पर जो है वो आपकी वो प्रोडक्ट्स जिनकी सेल्स कम है या जिसको आप समझते हैं कि इसकी जो है वो लिक्विडेशन करनी है, लिक्विडेशन के लिए भी बेस्ट ये टाइम होता है, या उन प्रोडक्ट्स की जो है वो जिसको आप डिस्पोज का करने का प्लान कर रहे हैं या वो सेल नहीं हो रही, तो उनको भी आप इन दिनों में जो है वो सेल्स कर सकते हैं, उसकी अच्छी सी लिस्टिंग, उसकी अच्छी सी जो है वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो यूज करके, उसकी अच्छी फोटोग्राफी जो है वो आप करें, उसकी दोबारा से जो है वो लिस्टिंग क्रिएट करें, उसे आप कर सकते हैं। तो प्राइम डे के ऊपर क्या होता है, अमेजोन प्राइम डे के ऊपर जो ऑलरेडी बंडल्स जो सेलर्स ने दिए होते हैं अमेजोन, फिर उन्हीं को जो है वो उसकी खुद एड चलाता है, खुद उसकी प्रमोशन करता है, और इस तरह से जो है अमेजोन प्राइम डे के ऊपर जो वो डील्स लगती हैं। इसमें ये होता है कि जो है वो कस्टमर जो होते हैं दे विल गेट अ मच मोर डिस्काउंट, इवन 50% 60% तक जो है वो उनको डिस्काउंट मिलता है। अगर हम वैसे ही देखें तो जब जो है वो जुलाई स्टार्ट होता है, जुलाई के फर्स्ट वीक से जो है वो आहिस्ते से सेल्स डाउन होना शुरू रहती हैं सारे सेलर्स की। उसकी रीज़न भी ये होती है कि लोग जो होते हैं वो अपने पैसे बचा के रखते हैं, उनको पता है प्राइम डे आगे आने वाला है, तो प्राइम डे के ऊपर जो वो फिर अच्छी से स्पेंडिंग करते हैं, और फिर उसकी वजह से ऑब्वियसली उन्होंने जो है वो वहाँ से डिस्काउंट लेने होते हैं। इसी तरह सेलर्स जो होते हैं दे विल मेक अ मच ह्यूज मनी जो है वो मोस्टली उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जिनकी सेल्स नहीं अच्छी होती, तो वो प्रोडक्ट्स भी जो है वो सेल कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली दे विल मेक अ 5 to 6 टाइम जो जो उनके एक एवरेज रेवेन्यू पर डे जा रहा होता है उससे 5-6 टाइम जो है वो ज्यादा वो पर डे में जो है वो अर्न कर लेते हैं। सो ये एक अच्छा दिन है और इसको आपको लाजमी चूज करना। सो ये सारी बेसिक टर्म्स थी जो मैंने आपको बताई हैं, आपने ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है और इनको मजीद इनकी रिसर्च आपने गूगल से करनी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।